डॉक्टर जैनब, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब हम इसकी बात करते हैं, सेल्फ लव की बात कर ली हमने, कोपिंग मैकेनिज्म्स की बात कर ली, बट कहीं ना कहीं फिर भी खवातीन मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो हमेशा हमसे शेयर करते हैं कि मैं कभी ना प्रेगनेंसी में मैंने प्रीनेटल स्ट्रेस बहुत मैंने फेस किया, मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत फेस किया, ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, इसकी वजह से मैं आज ऐसी हो गई। तो ये बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट लिंक बिटवीन दी प्रीनेटल स्ट्रेसेस एंड दी पोस्टपार्टम डिप्रेशन? ये डेवलप किस तरह होता है? जी, इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। अगर किसी की फैमिली में पहले से डिप्रेशन की बीमारी चली आ रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेशेंट प्रेग्नेंट होने जा रही है, उसकी फैमिली में डिप्रेशन की बीमारी है, तो हम उसको पहले से बताते हैं कि आपने अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है, अपने आप को ऐसी जगहों पर नहीं लेके जाना जहाँ स्ट्रेस और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हो। इस तरह की खबरें भी नहीं सुननी, जैसे जंग की खबरें आ रही हैं, जैसे आपको पता है खबरों में किस किस्म की बातें होती हैं जी, मुल्क के हालात, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस तरह की चीजों से हम फीमेल को कहते हैं कि आप अवॉइड करें, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी फीमेल की हिस्ट्री प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको डिप्रेशन हुआ है डिलीवरी में, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको ये प्रॉब्लम हुआ है एनजाइटी का, तो इस प्रेगनेंसी में भी हम उसे समझाते हैं कि अब आपने कैसे कोप करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो हम खवातीन को समझाने का आसान तरीका होता है कि जो वो सोच रही है पॉजिटिव या नेगेटिव, वही सीधा उसका इफेक्ट बच्चे को जा रहा है। अगर वो गुस्से में है, 24 घंटे गुस्से में रहती है, सैड मूड में रहती है, लो एनर्जी में रहती है, वो डायरेक्ट बच्चे में ये चीजें ट्रांसफर हो रही है। तो कोई औरत ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा गुस्से वाला पैदा हो, मेरा बच्चा डिप्रेशन वाला पैदा हो, मेरे बच्चे का लो मूड हो, लो एनर्जी हो, और वो मेंटल आईक्यू लेवल उसका कम। ठीक है, तो हम अपनी पेशेंट्स को ये बताते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी में खुश रहेंगी, आप लाइट मूड में रहेंगी, आप एंटरटेनमेंट के लिए मजाहिया प्रोग्राम देखेंगी, ये सीरियस टॉक नहीं सुनेंगी, आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगी और आप बाहर वॉक पे जाएंगी, ओपन एयर में, फ्रेश एयर में वॉक करेंगी, मेडिटेशन करेंगी, तो इसका डायरेक्ट न सिर्फ आपकी सेहत अच्छी होगी बल्कि आपके आने वाले बच्चे की भी अच्छी होगी। अच्छा, उसके बाद कुछ खवातीन के प्रेगनेंसी से रिलेटेड जब हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, और अगर वो बहुत ज्यादा कोई जिस तरह जॉब हमारी नेचर कुछ खवातीन की ऐसी होती है कि रात को जागना पड़ता है, या लंबा टाइम बैठ के काम करा, या लंबा टाइम खड़े होकर लेक्चर देने पड़ते हैं, तो उनको भी हम ये बात बताते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट ने प्रेगनेंसी में रिलैक्सेशन रखी हुई होती है। अगर आप को लगे कि आप कोप अप नहीं कर पा रही तो आप मेडिकल रेस्ट ले सकती हैं, आप जो मैटरनिटी की 90 डेज की लीव है वो ले सकती हैं जब आपका टाइम करीब आए। तो अपने आप को अगर आप जितना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के 9 मंथ रिलैक्स रखेंगी, डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रिस्क कम होगा। ये देखा गया कि जब आप 9 महीने स्ट्रेस में रहते हैं, ऊपर से अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है वो भी आपको स्ट्रेस में रखती है, तो नुकसान न सिर्फ खातून का होता है, आने वाले बच्चे का भी होता है, आने वाली नस्ल भी कमजोर पैदा होगी, जहनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। तो ये मैं हस्बैंड वाइफ दोनों को ये बात समझाती हूँ कि ये दोनों का बच्चा आ रहा है ना, तो हस्बैंड बहुत बड़ा सपोर्टिंग मैकेनिज्म है, उसको समझाना बहुत जरूरी है कि इस कंडीशन में मूड चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, लेबाइल मूड होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है। तो सपोर्ट अगर आप अच्छी देंगे फीमेल को, उसको कोप अप करेंगे, उसको ब्लेम नहीं करेंगे उसकी इस प्रेगनेंसी की वजह से, उसको ब्लेम नहीं करेंगे कि तुम तो हो ही ऐसी, तुम तो रहती है गुस्से में हो, तुम्हारा तो काम ही है बर्तन तोड़ना, तो जब आप उसको सपोर्ट करेंगे तो आपकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी, तो वो रिलैक्स रहेगी, तो आने वाले बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा और पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम ब्लूज के चांस कम होंगे। लेकिन अगर कोई फीमेल को पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम पहले से उनको अलामत बता देते हैं, जैसे नींद का ना आना, मूड खराब होना, चिड़चिड़ापन, लो एनर्जी रहना, और किसी को मारने को दिल करना, इवन अपना बच्चा अच्छा ना लगना, जब पैदाइश होगी बच्चे की तो आपका दिल ही नहीं चाह रहा कि आप बच्चे को दूध पिलाएं या गोद में लें, तो इसका क्या मतलब है कि ये सारे सिम्टम डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जहां हम ये चीज पिक करते हैं, हम फौरन साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, और पेशेंट को अच्छी से अच्छी मेडिसिन भी साथ देते हैं, ताकि आने वाले बच्चे पे और उसकी सेहत पे, पेशेंट की अपनी सेहत पे ये प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन प्रिवेंशन एक हद तक की जा सकती है, कुछ कंडीशंस में प्रिवेंशन नहीं होती, बीमारी आ जाती है जिनकी फैमिलीज में रन कर रही होती है या जिनको माहौल ऐसा मिला होता है स्ट्रेस वाला। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे इख्तियार में, जो स्ट्रेस हम मैनेज कर सकते हैं, जो स्ट्रेस हम अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए, टीवी का बटन और मोबाइल का, ये जो सोशल मीडिया, ये तो मेरे हाथ में है ना, मैं देखूं या ना देखूं। कुछ चीजें हैं जो खातून के अपने हाथ में, कुछ चीजें जो उसके शोहर के और उसके फैमिली के हाथ में, तो इन चीजों को तो कम किया जा सकता है, इन स्ट्रेसेस को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर पीछे से जेनेटिकली कुछ हार्मोनल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, उसके डोपामिन सेरोटोनिन लेवल कम हो रहे हैं, तो वो जो न्यूरोकेमिकल्स जो रिलीज हैं वो अगर कम है, तो फिर हमें उसको मेडिकेशन पे शिफ्ट करना पड़ता है आफ्टर डिलीवरी, अगर ये प्रॉब्लम आ रहा हो तो।
ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर हम इसको देखें, अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या प्री नेटल स्ट्रेस है जो प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा होता है, अगर ये अनट्रीटेड रह जाए, अगर एक ऐसी फैमिली है कि जो इसके ऊपर ज्यादा अटेंशन ही नहीं दे रही। से यूजुअली हम अगर अपनी कम्युनिटी की बात करें, पाकिस्तानी खवातीन की, तो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी में इसको बहुत नॉर्मल समझा जा रहा होता है कि ये होता ही है, ये तो नॉर्मल है, बच्चे के साथ तो इतना आपको फेस करना ही पड़ता है, सो इट फील्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। और ये अगर अनट्रीटेड रह जाए तो फिर आपकी आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है? बिल्कुल, आपने ना वो खबर सुनी होगी, अक्सर 6 महीने बाद ऐसी खबर आती है कि माँ ने अपने बच्चों को मार दिया। सुनिए ना, और कभी कभी ये भी आता है कि उन बच्चों को मार के खुद को भी मार दिया। तो जब सुइसाइडल टेंडेंसीज आने लग जाती हैं, और उसमें ये होता है कि जब डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको ना अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, आपको लगता है ये मेरे दुश्मन है, हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है, बाइपोलर डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं उस फेज के आने तक। अच्छा, खानदान वाले समझ रहे थे इसको जिन आ गए, इसको तो साया हो गया, ठीक है। वो ये नहीं समझते कि इसको ये बीमारी हो गई। हमारे बहुत कल्चरल टैबूज हैं, खातून को डॉक्टर तक नहीं लाया जाता, तो उसका नुकसान क्या होता है कि वो उसकी जो माइंड है उसको बार बार कहा जाता है नॉर्मल है, ये उसको रोना आ रहा है, बेचारी को बार बार रोना आ रहा है, उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा, उसकी भूख मर गई है, वो कह रही मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि ये सब तो नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, डिलीवरी में ऐसा होता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसकी सेहत इतनी खराब होती है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है और अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो बच्चा उसने पैदा किया। तो ये नौबत बहुत एक्सट्रीम फेज में आती है जब आप बिल्कुल उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन उससे पहले ये सारे अलामत हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि इस तरह की अलामत आ रही हूँ। और अक्सर तो एंटीनेटल पीरियड में अंदाजा हो जाता है कि ये पेशेंट है जो डिप्रेशन में जाने का रिस्क है, जिसके अंदर ये सिम्टम आ रहे होते हैं, वो कह रही होती है मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं अच्छी आती, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता। तो हमें अंदाजा हो रहा होता है, हम उसको अगर वो हम तक पहुंच जाए, गायनाकोलॉजिस्ट तक या ऑब्स्टेट्रिशियन तक, तो उसको बताते हैं कि ये आपको प्रॉब्लम होने का रिस्क है, आप ख्याल रखिएगा। और इसीलिए रिकमेंडेड है कि डिलीवरी के बाद 3 विजिट डॉक्टर के मिनिमम होने चाहिए, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब हम उसको घर भेज रहे होते हैं, उसके बाद 1 वीक के बाद, 7 डेज के बाद, और फिर 40 डेज के बाद, क्योंकि ये वो मैक्सिमम टाइम है शुरू का 40 डेज, जिसमें उसको ये सारे सिम्टम्स आने का रिस्क होता है। तो इससे उसकी अपनी सेहत, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन की पेशेंट बन जाती है, उसको सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ती हैं, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, जो वो नेगेटिव थॉट कर रही है या ओवर थिंकिंग कर रही है या वो उसको सुसाइडल थॉट्स आ रही है, उसका इम्पैक्ट उसकी फैमिली पे जा रहा है, आप देखें डायरेक्ट उसके बच्चे पे जा रहा है। वो बच्चा जो जिसने अभी वो कहते हैं ना, बच्चा हर चीज माँ की गोद से पहले शुरू में सीख रहा होता है, तो माँ के मूड जो चेंज होते हैं, बच्चा डर जाता है। वो जो छोटा सा बच्चा जिसको अभी कुछ नहीं पता, लेकिन माँ हंस रही है तो बच्चे का मूड खुश होगा, माँ गुस्सा कर रही है, माँ रो रही है, तो बच्चा सहम जाता है, तो डायरेक्ट उसके बच्चे को असर हो रहा है। तो इस चीज को हल्का नहीं लेना चाहिए, अगर फैमिली में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको एड्रेस करना चाहिए और उसको फौरी हेल्प लेनी चाहिए डॉक्टर से, ताकि इसको जो है ना ट्रीट किया जा सके, आने वाले बच्चे पे और माँ की सेहत पे बुरा असर ना पड़े, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जो है ना डिप्रेशन और लो मूड, लो एनर्जी, और फिर उसका जो फीमेल का एक एक बीइंग अ मदर, उसकी जो एनर्जी लेवल होना चाहिए, उसने आने वाली नस्ल की तरबियत करनी है, वो नहीं रह जाती। वो विक्टिम माइंडसेट में अगर एक दफा चली गई तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो फिर सारी उम्र उसी में रहेगी। अच्छा, फिर वो करती क्या, वो नेगेटिविटी अपने बच्चे में ट्रांसमिट करती है, देखा तुम्हारे अब्बू तो है ही ऐसे, मुझ पर जुल्म करते हैं, कभी मेरी बात सुनी है उन्होंने, ये तुम्हारी दादी अम्मा तो है ही ऐसी, कभी इन्होंने मेरी बात सुनी है, देखो मुझे नौकरानी बनाया हुआ काम करवा रहे। अब ये जो नेगेटिव टॉक है ये उस बच्चे से ट्रांसमिट हो रही है, ये नेगेटिविटी उस बच्चे में माँ से, तो ये सारी उम्र के लिए एक रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा हैजर्ड आ जाता है, रिश्तों में जो अपनाइयत, खुलूस, मोहब्बत है वो खत्म हो जाती है इन छोटी छोटी बातों की वजह से। थोड़ी सी अगर केयर मिल जाए खातून को उस प्रेगनेंसी के टाइम में, वो सारी उम्र याद रखती है कि किसी ने मेरी केयर की थी, मुझे छीले के दिनों में मुझे अम्मी ने, मुझे फलाने ने पानी को हाथ नहीं लगाने दिया था, मुझे बिस्तर पे खाना मिल जाता था। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट लेके आती है अगर समझा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक जनरेशनल ट्रॉमा से हम बचा देते हैं, क्योंकि ये ट्रॉमा एक माँ से ही बच्चों में ट्रांसमिट हो रहा होता है और फिर ये एक जनरेशन में रन कर रहा होता है। सो इसके बहुत अच्छे आपने स्टेप्स बता दिए कि हम इसको जिस टाइम ऑफ पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको वहीं पे ही खत्म कर सकते।